हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं हूं आपका करियर गुरु हर्ष धवन। सो दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है, जिसका मार्केट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और जिसमें मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी के पास अगर जितना भी ऑर्डर आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। जितना बड़े से बड़ा ऑर्डर लेना चाहे ले सकते हैं, माल मिलेगा ही मिलेगा। तो आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं और उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, कौन सी मार्केट है, प्रॉफिट आपको कितना लेना चाहिए, कहां से कौन सी स्टेट से आप सस्ते रेट पे मंगा सकते हैं और कौन से देशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बोलूंगा दोस्तों, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स हम दिल्ली में स्टूडेंट को इसी तरीके से ट्रेन करते हैं। हम सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस नहीं बताते। हम ये नहीं करते कि भैया स्टूडेंट आया, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस प्रोसीजर बताया और बस कहानी ख़त्म। हम ये भी बताते हैं कौन सा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की डेप्थ तक जाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट करने चाहिए। एक स्टूडेंट होता है, उसका माइंड बिल्कुल ज़ीरो है, एक बिगिनर है, उसे नहीं आता बिजनेस करना, तो हम पूरा ट्रेन करते हैं उसे बिजनेस में। डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल, कोई भी ट्रेड उसे करना हो, चाहे सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या वो एक मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर वो ट्रेडर बनना चाहता है तो वो बनता है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि उसे हम बना के ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, उतना फ़ायदा आपको भी होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मैं हर्ष धवन आपके सामने आपके सारे जवाब देता रहूँगा। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट की। क्या है वो प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट है काजू यानी कैश्यू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काजू के बारे में। डिमांड बेकरी वालों के पास है, बेकरी में काजू यूज़ होते हैं। शेक्स जो बनाते हैं, रेस्टोरेंट लाउंज बार हर जगह काजू यूज़ होता है। हलवाई है, काजू यूज़ होता है। गिफ्ट्स में काजू यूज़ होता है। स्नैक्स में काजू यूज़ होता है। केटरिंग का काम कर रहे हैं, जो केटरर्स हैं उनको भी कैश्यू चाहिए। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह यूज होता है। खुद सोचिए, आइसक्रीम में भी तो काजू यूज होता है। अब इतने सारे प्रोडक्ट में हमें कैश्यू की जरूरत पड़ती है। पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, मैं बताऊंगा आगे कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या डिमांड है, कितने मार्जिन है। तो डिमांड सबसे पहले जानिए, आपके सामने है, पूरी मार्केट ओपन कर दी है मैंने, इतनी बड़ी डिमांड है। तो अब बात करते हैं उसकी क्वालिटी की। देखिए दोस्तों, कैश्यू की क्वालिटी क्या है? जैसे कैश्यू साइजेस में आता है, नंबर्स में आता है, जैसे 180 नंबर, 210 नंबर, 240 नंबर, 320 नंबर, 450 नंबर, इस तरीके से क्वालिटी में आता है। जो 180 नंबर होता है वो बहुत हाई क्वालिटी हाई ग्रेड का कैश्यू होता है, जिसे किंग ऑफ कैश्यू कहते हैं, मतलब महाराजा। साइज बड़ा होता है, वाइटनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत क्रिस्पी होता है, और अच्छे देशों में एलीट क्लास के लिए बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो मार्जिन भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ महंगा भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यानी अगर आप इस साइज को चुन रहे हैं कैश्यू के, तो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा हाई करनी पड़ेगी। 210 240 कॉमन है। सपोज कीजिए मिडिल क्लास लोग हो गए, वो लोग ये परचेज करते हैं क्योंकि उनकी रेंज में आता है। आइसक्रीम वाले हो गए, जिनको आइसक्रीम में डालनी है, कोई बटर स्कॉच में डालना है, या कोई भी टूटी फ्रूटी जो भी फ्लेवर्स आते हैं उसमें डालना है, तो उनके लिए है। हलवाई हो गए, उनके लिए है। तो रेस्टोरेंट वाले हो गए, वो कैश्यू की ग्रेवी बनाते हैं, यूज़ मिलाते हैं, उनके लिए हो गए। ब्राउनी होती है, ब्राउनी में भी कई बार आपको कैश्यू मिल जाएगा, एलमंड्स मिल जाएगा, चॉकलेट में मिल जाएगा। तो ये सारी मार्केट आपके सामने है।
इंडस्ट्री आपके सामने है, बिस्किट में भी काजू डलता है, बेकरी में भी काजू डलता है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो ये नंबर भी प्रेफर करते हैं। और इससे कम नंबर जो यानी लगभग 450 हो गया या 320 हो गया, वो टुकड़ा काजू होता है साइज का, यानी पीसेस में काजू को अलग कर दिया जाता है, उसका जो टुकड़ा होता है वो बिकता है। जैसे आप काजू की बर्फी खाते हैं तो वो टुकड़े को पीस के वो बर्फी बनाई जाती है। तो हलवाई या बेकरी वाले ज्यादा यूज करते हैं, बिस्किट वाले ज्यादा यूज करते हैं ऐसे कैशियो को, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप काजू की बर्फी खा रहे हो उसमें कैश्यू थोड़ा लगा होगा, तो काजू की बर्फी है तो मुद्दा उनका भी सॉल्व हो जाता है, उनको अच्छे मार्जिन्स मिल जाते हैं, सस्ता कैश्यू डल जाता है और एक कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये तो बात हुई उसकी क्वालिटी की, और आपके कौन कौन से बायर हो सकते हैं, कौन सी मार्केट टारगेट कर सकते हैं। अब एक और सबसे बड़ी चीज़ ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि 65% प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड का कैश्यू का वो इंडिया में है, यानी इंडिया से बहुत अच्छी डिमांड है कैश्यू की, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 11 किलो और 22 किलो के टीन आते हैं इसके, वही मिलेंगे, ऐसे ओपन आपको नहीं मिलेंगे अगर बल्क क्वांटिटी में चाहिए। मार्जिन्स अनलिमिटेड हैं, क्योंकि डिमांड और कंट्री के अकॉर्डिंगली आप मार्जिन रख सकते हैं। मान के चलिए मिनिमम मार्जिन 40-50% एक्सपोर्ट में, तो मिनिमम आपको इतना मिल जाएगा और इससे ज्यादा भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कौन सी स्टेट से, अगर मुझे काजू खरीदना है तो कौन सी स्टेट से मैं खरीदूंगा। देखिए दोस्तों, ये यूएसपी सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट में ही मिलेगी आपको, कौन सी स्टेट में कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट सस्ता खरीद सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बताते हैं। इसीलिए हमारा कोर्स कंटेंट बाकी सब जगह से सबसे ज़्यादा होता है, तो टाइम भी उस हिसाब से लगता है। चलिए बात करते हैं कौन सी स्टेट से आप उस कैश्यू को परचेज कर सकते हैं सस्ते रेट पे। जैसे सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो होता है कैश्यू का जिस स्टेट में होता है वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद है तमिलनाडु, केरला। तो इन स्टेट से आप कैश्यू सस्ता परचेज कर सकते हैं। कौन से देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील, ग्रीस, फिनलैंड, ब्रुनेई, एस्टोनिया, जर्मनी एंड मैनी मोर। क्योंकि यार कैश्यू की डिमांड तो हर जगह ही है ना, ये तो मैं मेन मेन कंट्रीज बता रहा हूँ जहाँ आप एक्सपोर्ट होता है। मिडल ईस्ट में कितना एक्सपोर्ट होता है, जाइए करिए, ये मत कहिए कि काम नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप क्वेश्चन पूछिए, हम तो जवाब दे ही नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप समझेंगे कैसे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं आपको साबित करके रहूँगा, काम की कमी नहीं है, कमी है तो करने वालों की, या तो आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो हम आपके सामने हैं, करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स चैनल आपके सामने है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और भी कोई डाउट क्वेश्चन है पूछते रहिए, ये तो एक प्रोडक्ट है, आने वाले वीडियो में ऐसे कितने ही प्रोडक्ट आते रहेंगे, कितनी ही इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।